हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शशि लोधी ब्लॉग्स में। और आप सब कैसे हो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया टिप बताने वाली हूँ जो बरसात में बहुत काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के मोटे मोटे जो कपड़े होते हैं बरसात के दिनों में अच्छे से सूख नहीं पाते हैं, और अगर सूख भी जाते हैं तो इनमें ना बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। और अगर इस गंदी स्मेल से आप दूर भागना चाहते हैं, इस स्मेल को निकालना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले इन जीन्स को आपको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके पॉली बैग या पॉलीथिन में आप डाल दीजिए, और आधे से एक घंटे के लिए आपको फ्रीजर में डाल लेना है। जी हाँ दोस्तों, फ्रीज में नहीं डालना है, आपको फ्रीजर में डालना है। एक से दो घंटे में जब फ्रीजर में डले रहेंगे ये कपड़े, तो इनकी जो बैड स्मेल है पूरी तरह से निकल जाएगी। आप यकीन मानिए, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। बरसात के दिनों की जो स्मेल होती है बहुत ही गंदी होती है, और इस ट्रिक को अपना कर देखिए तो बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। ये ज़रूर ट्राई करके देखना। तो नेक्स्ट टिप है ये हमारे, इस तरह इसके मैसर होते हैं। आपके घरों में अगर एक से ज़्यादा मैसर है या फिर यूज नहीं हो रहा है, तो इस तरह के मैसर लीजिए। और क्या करना, इस तरह की जो स्पून्स होती हैं, फॉग होती हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें ना दो तरह के होल दिख रहे हैं, एक छोटा है और एक थोड़ा लंबा है। तो क्या करना है, लंबे वाले में अगर फॉग डालेंगे तो इससे निकल जाती है, तो अगर छोटे वाले में डालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। और जो लंबा वाला है होल उसमें स्पून डाल दीजिए, और जो छोटा वाला होल है उसमें फॉग डाल लीजिए। तो इससे क्या होगा, हमारी स्पून्स और फॉग एक जगह पर बनी रहेंगी और बिल्कुल भी गिरेंगी नहीं, और बहुत ही आसान तरीके से हम इन्हें निकाल सकते हैं, बच्चे भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल भी गिरती नहीं है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये फिट हो जाती हैं। और इसका जो ऊपर हैंडल है उसमें होल दिया गया है, उसे आप कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं। एक ही जगह पर इतनी सारी फॉग आ चुकी हैं, स्पून्स आ चुकी हैं। तो आज के हमारे ये टिप्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल।